उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वाराणसी की गलियों, रिक्शे सवारी की और वहां के बदलाव को देखा। वाराणसी में सातवें चरण में मतदान होना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल में वाराणसी पहले से बहुत अब अद्भुत हो चुका है। क्योंकि ना जाम मिलता है, ना टूटी सड़कें मिलती है, ना वाता सीवर मिलता है। तो ये अद्भुत काम जो मोदी जी ने किया है, ये बनारस को जो उनकी कल्पना थी वो अब साकार हो रही है। बहुत अच्छा है, प्राचीनतम शहर को आधुनिक सुविधाएं देती है। सुविधाएं आधुनिक है लेकिन इसकी प्राचीनता वैसे ही बनी हुई है। काशी विश्वनाथ का स्वरूप बदला है लेकिन जो आपको नहीं लगता काशी बहुत बदल गया पिछले कुछ दिनों? काशी 2014 के बाद पहले से बहुत बदल गई। अब वो पहले वाली काशी जो है वो जहाँ तंग गलियाँ होती थी, बराबर जाम रहता था, सड़कें खस्ता हाल होती थी, सीवर बहते थे, वो काशी नहीं। मैंने तो खुद बड़ा बदलाव देखा जब 2012 में जो लोग 2-4-5 साल बाद बनारस आए हैं उनको लगता है कि हम बनारस में आए ही नहीं, क्योंकि ना जाम मिलता है, ना टूटी सड़कें मिलती है, ना बहता सीवर मिलता है। तो ये अद्भुत काम जो मोदी जी ने किया है, ये बनारस को जो उनकी कल्पना थी वो अब साकार हो रही है। बहुत अच्छा, प्राचीनतम शहर को आधुनिक सुविधाएं देती है। सुविधाएं आधुनिक है लेकिन इसकी प्राचीनता वैसे ही बनी हुई है। काशी विश्वनाथ का स्वरूप बदला है लेकिन जो प्राचीन चीजें वो वैसे ही है। गलियां आपको वहां भी मिलेंगी जितनी बनारस की पक्के माल की गलियां वो वैसे ही है। बस ये है कि जहाँ टूटी फूटी गलियां रहती थी वहां एकदम संगमरमर की तरह जो है गली बन गई। ये बदलाव हुआ है। घाट भी बहुत साफ और सुंदर और बड़े भी। घाट तो इतने अच्छे हुए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको समय मिलेगा हम लोग ललिता घाट दिखाएंगे जहाँ से सीधे बाबा विश्वनाथ गंगा जी को देख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी घाट हैं अद्भुत घाट बने हैं। ऐसा किसी ने काशीवासी ने कल्पना भी नहीं की थी कि घाट कभी ऐसे भी काशी के बन सकते। अद्भुत है जी, अकल्पनीय है। हाँ हाँ वो लाइट दे रहा है ना, उसके सब जगह लगे हुए स्क्रीन। अच्छा, उसका पूरी रात देखेंगे लोग, किसी में शादी विवाह वाला सब कार्यक्रम चलेगा इसमें भी। हाँ ये सब सब लगा हुआ है, ये स्पेशली लगाया गया है, लोग देखेंगे।